नमस्कार, सीटेट के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका स्वागत है। और जो प्रश्न है ये एनसीएफ 2005 से रिलेटेड है। ये प्रश्न इस प्रकार है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन है आपका भौतिक संसाधनों को, दूसरा है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, तीसरा है आपका बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, और लास्ट है आपका बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो यहाँ पे देखिए, आपको सभी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी कि सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ एक शीर्षक की बात की है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर कौन से शीर्षक में कौन कौन से पॉइंट कहे गए। तो यहाँ पे जो इन्होंने शीर्षक रखा है गुणवत्ता में सुधार के लिए, तो आपको समझना चाहिए कि एनसीएफ 2005 में अगर गुणवत्ता के सुधार के लिए या गुणवत्ता आयाम के लिए कोई शीर्षक है तो उसमें बहुत ही डीप कोई बात कही गई होगी। तो भौतिक संसाधन तो इतना इजी नहीं है कि वो आंसर हो जाएगा। दूसरा है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे वो है बालकों के लिए संरचित पाठ्यक्रम, संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। यहाँ इसके जस्ट ऊपर ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को, तो अनुभव तो है ही, तो लेकिन अनुभव के साथ साथ पाठ्यक्रम सुधार भी है, और यहाँ पे जो इस आयाम के अंतर्गत लिखा गया वो पाठ्यक्रम सुधार भी है। यहाँ पे उनके जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार भी किया जाना चाहिए, और साथ साथ उनके जो बालक हैं जो उनके लिए संरचित अनुभव का भी संकलन किया जाना परमावश्यक है। तो आपका सी का ही पूरा रूप डी है, इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, और वही आपका आंसर है।